ग्रेटर नोएडा के जाशा थाना क्षेत्र में स्थित गांव सेंतली में माता की ज्योति लाने को लेकर दो पक्ष में विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर मनीष के घर पर धावा बोल रहे हैं और दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चल रहे हैं, साथ ही पत्थरबाजी भी की जा रही है। एडिशनल DCP ग्रेटर नोएडा ने बताया है कि ये घटना 16 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित मनीष की शिकायत पर मामले में जांच शुरू कर दी है और अंकित पुत्र बलराज और उसके साथ ही मारपीट में शामिल रोहित पाटी पुत्र और रोहित पुत्र राजकुमार को सेंतली गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।